अरे यार, ये कौन बेवकूफ बीच में रास्ता रोके खड़ा है? मैं देखता हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हारी फोटोज देखी है संगीता के साथ। उस दिन तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो। मैडम, आप एक बार अपनी गाड़ी साइड में कर सकती हैं? होल्ड करना एक मिनट। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैडम, एम्बुलेंस निकालनी है, प्लीज एक बार अपनी गाड़ी साइड में कर लीजिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, डिस्टर्ब करने आ गए हो। मैडम, आपकी बात किसी की जान से ज्यादा जरूरी है क्या? एम्बुलेंस में पेशेंट है। तुम्हें वो गाड़ी वाला खड़ा नहीं दिख रहा, उसको बोलो हटाने के लिए। मैडम, उस गाड़ी में कोई नहीं बैठा, आप इधर बैठी हुई हो गाड़ी में, तो प्लीज एक बार अपनी गाड़ी साइड में कर लीजिए, वरना पेशेंट मर सकता है, इमरजेंसी है। तो ये कौन सी नई बात है, हर घंटे कोई ना कोई मरता है, एक और मर जाएगा तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। तुम होल्ड करो ना यार। मैडम, किस तरह की सोच है आपकी? एम्बुलेंस में पेशेंट है और वो सीरियस है, मर सकता है, और आप एक यहाँ रास्ता रोके खड़ी हो, थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं? अच्छा, इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें कि मैं रास्ता रोके खड़ी हूँ, तो अपना रास्ता बदल लो, जाओ। मैडम, चलो चलो। यार ये तो पता नहीं गाड़ी में कौन बेवकूफ बैठी है, हटाई नहीं रही। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा ना साइड से निकालने की कोशिश कर लेते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है ना यार, मान ली तुम्हारी बात। ये एक होल्ड करना, ये घर वाले हर वक्त फोन क्यों करते रहते हैं मेरे को? हाँ, मैं कह रही थी हम मेरी कब्रे हैं। दिव्या, क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? दी, वो पापा को हार्ट अटैक आया था। क्या, अभी कहाँ है वो? उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैं देखती हूँ। दी, अब कोई फायदा नहीं है। मतलब तू ऐसा क्यों बोल रही है? दी, जब पापा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी खड़ी होने की वजह से एम्बुलेंस को जाने का रास्ता ही नहीं मिला, और डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस गाड़ी को हटवाने की, लेकिन उसने जाने का रास्ता ही नहीं दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को अपना रास्ता बदलना पड़ा, और जब एम्बुलेंस दूसरे रास्ते से गई तो उन्हें वो रास्ता भी बंद मिला। इससे पहले डॉक्टर कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।